हेलो स्टूडेंट्स, आज हम जो टॉपिक देख रहे हैं वो है इंटरफेरेंस ड्यू टू ट्रांसमिटेड लाइट। लास्ट क्लास में हमने देखा था इंटरफेरेंस ड्यू टू रिफ्लेक्टेड लाइट। अभी हम देख रहे हैं कि ट्रांसमिटेड अगर लाइट हो रही है, मतलब अभी हमने पहले वाले में क्या देखा था, एयर में से जा रही थी यहाँ से और ऊपर से हम देख रहे थे, ऑब्जर्व कर रहे थे। अगर वो ट्रांसमिट हो रही है तब हम कहें इंटरफेरेंस पैटर्न में पोजिशन ऑफ मैक्सिमा मिनिमा क्या होगी और पाथ डिफरेंस क्या होगा, ये हमें देखना है। तो यहाँ पर हमने लिया है ए बी एज एन इंसिडेंट रे, ये हमारा नॉर्मल है, पार्शियली रिफ्लेक्ट भी हो रहा होगा और रिफ्रेक्ट भी हो रहा होगा। अभी हम देख रहे हैं रिफ्लेक्ट होने के बाद वापस से ट्रांसमिटेड होने पर हमें कैसा दिख रहा है। तो हमारे पास बी सी जो रे है वो रिफ्रेक्ट हुई, फिर ये रिफ्लेक्ट हुई सरफेस से एंड पार्शियली फिर रिफ्लेक्ट बैक हुई और ये ट्रांसमिट होके बाहर निकली। ये हमारे पास सी टी जो है वो ट्रांसमिटेड रे यहाँ से है और ये जो एडिशनल पार्ट ट्रेवल करने के बाद ई से लेके टी वन है ये ट्रांसमिटेड रे। हमने ये माना है कि ये जो थिन फ्लेम है उसकी थिकनेस है कैपिटल स्मॉल टी और इसके रिफ्रेक्टिव इंडेक्स जो मटेरियल की है वो है म्यू, मतलब ये हमारा डेंसर मीडियम हो गया और ये हमारा रियर एयर मीडियम हो गया। अब हम ये देखते हैं कि पार्ट डिफरेंस कितना ट्रेवल करा है। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो एक रे दी थी वो है हमारा सी टी और दूसरी रे है वो ई टी वन है और जो एक्स्ट्रा पाथ चला है वो अगर हम निकालना चाह रहे हैं तो हमने ये देखा कि ये पार्शियली रिफ्लेक्ट होके फिर यहाँ पर आया है। तो ये जो पाथ एक्स्ट्रा चला है वो हम देखें तो कितना चला है उसने मीडियम में और कितना चला है उसने एयर में। तो पाथ डिफरेंस हम लिख लेते हैं डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हुए, कितना चला है डेंसर मीडियम में अगर हम देखें तो CD plus DE, तो चला है डेंसर मीडियम और डेंसर मीडियम का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स कितना है मेरा म्यू है। तो मैं लिख दे रही हूँ CD plus DE माइनस ऑफ एयर में कितना चला है, अगर मैं ये देखूं तो ये मेरे पास एक्स्ट्रा चला पार्ट जो है वो ये एयर में चला है वो है CP, तो मैं कर दे रही हूँ CC। अब मुझे ऑलरेडी मालूम है कि रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर कितना होता है 1, तो लिखना तो चाहिए वहां पे मैं म्यू इंटू CP, पर एयर का क्योंकि रिफ्रेक्टिव इंडेक्स 1 होता है इसीलिए हमने वहां पर म्यू की वैल्यू को 1 कर दिया। अब जैसा पिछली बार हमने कह रहा था इन की वैल्यूज को फाइंड आउट कर लें और वी विल एबल टू फाइंड आउट द एग्जैक्ट पाथ डिफरेंस। तो पहले हम इसको देखते हैं, तो हमारे पास स्नेल्स लॉ देखें तो ये डेंसर मीडियम है और ये रेयर एयर मीडियम है, तो हम म्यू इज इक्वल टू लिख सकते हैं साइन आई अपॉन साइन ऑफ आर, ठीक है। अब यहां से अगर हम ये लिखें तो हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, आपके पास वैल्यू आ जाएगी सीपी डिवाइडेड बाय ये कितना आ जाएगा सी सीपी अपॉन सी डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा क्यूई अपॉन सीई क्यूई अपॉन सीई, मतलब साइन आई की वैल्यू कितनी आ गई सीपी अपॉन सीई और साइन आर की वैल्यू कितनी आ गई क्यूई अपॉन सी। तो सी से सी कैंसिल आउट हो गया तो मेरी म्यू की वैल्यू कितनी आ गई सीपी अपॉन क्यूई, ठीक है। इससे मुझे सीपी की वैल्यू मिल गई दैट इज इक्वल टू म्यू इंटू क्यूई, ठीक है। इसको हम इक्वेशन नंबर नाम दे दे रही हूँ मैं 2 और ये मेरी मेन इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब अगर आपको वैल्यू सीपी की है तो यहाँ पे पुट कर देते हैं तो हमारे पास पार्ट डिफरेंस कितना आ गया दैट इज इक्वल टू म्यू सी डी प्लस डी ई माइनस म्यू ऑफ क्यू ई, ठीक है ना। अब यहां से अगर हम देखें तो हमारे को वैल्यू को थोड़ा सा रीराइट करना है, डीई डीई को मैं लिख सकती हूँ डी क्यू प्लस क्यू ई, तो यहां पर मैं इसको लिख ले रही हूँ म्यू इज इक्वल टू सी डी प्लस डी क्यू प्लस क्यू ई माइनस म्यू ऑफ क्यू ई। अब अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो आप ये देखेंगे म्यू क्यू ई यहाँ पर भी आ रहा है म्यू क्यू ई यहाँ पर भी आ रहा है तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारा क्या बचेगा म्यू सी डी प्लस क्यू और डी क्यू, सॉरी है ना, तो ये हमारा फॉर्मूला बचेगा, ठीक है। अब अगर हम डायग्राम से देखें तो क्या हो रहा है आपका सी डी और जो वो है वैल्यू आई डी की वैल्यू लगभग लगभग बराबर है, तो सी डी को हम रिप्लेस कर सकते हैं आई डी से और डी क्यू ये रहा, तो हम इसको लिख देंगे दैट इज म्यू इज इक्वल टू एस डायग्रामेटिकली अगर हम देखें तो सी डी विल बी इक्वल टू ये आपको ट्राइंगल दिख रहा होगा है ना, ये एंगल बराबर है ये साइड और ये साइड, ठीक है। तो वी विल रिप्लेस एस सी डी इज इक्वल टू आई डी
तो इट विल बी इक्वल टू म्यू, सी डी को मैं लिख ले रही हूँ आई डी प्लस क्यू डी, ठीक है। अब आई डी कौन सा पोर्शन हो गया, ये वाला हो गया, और क्यू डी ये वाला, तो मतलब मेरा ये कितना आ गया, ये हो गया क्यू आई, तो इट विल बी इक्वल टू, दैट इज इक्वल टू म्यू ऑफ क्यू आई, ठीक है, दैट विल बी आवर पार्ट डिफरेंस, ठीक है। अब मैं क्यू आई की वैल्यू फाइंड आउट कर लू, तो जैसा मैं पिछली बार कर चुकी हूँ, तो इट विल, ये थिकनेस कितना है टी, ये टी, तो इट विल बी कम आउट टू बी टू टी कॉस ऑफ आर, तो दैट विल बी इक्वल टू टू म्यू टी कॉस ऑफ आर, जैसा हमने रिफ्लेक्टेड मीडियम के लिए सॉल्व आउट किया था, तो सेम हम इसके लिए सॉल्व करेंगे, हमारे पास क्यू आई की वैल्यू आ जाएगी टू टी कॉस ऑफ आर, दैट विल बी अवर पार्ट डिफरेंस। अब बात ये आती है कि क्या हम इसमें लैम्डा बाय टू जोड़ेंगे या नहीं, तो जैसा हमने स्ट्रोक्स लॉ में पढ़ा था कि जब हम रिफ्लेक्शन देख रहे हैं, रिफ्लेक्शन देख रहे हैं इन अ डेंसर मीडियम, तो हमारा पार्ट डिफरेंस कितना होगा, लैम्डा बाय टू का जुड़ेगा या फेस में चेंज होगा पाई का, पर क्योंकि हम ट्रांसमिटिंग मीडियम में देख रहे हैं और यहाँ पर रेयरर मीडियम में है, तो यहाँ पर पार्ट डिफरेंस में लैम्डा बाय टू या प्लस माइनस लैम्डा बाय टू नहीं जुड़ेगा। तो जैसा अभी हमने निकाला 2 म्यू टी कॉस ऑफ आर, ये हमारा पार्ट डिफरेंस निकला है कब के लिए, इन अ ट्रांसमिटिंग मीडियम, जैसा मैंने कहा कि हमें पार्ट डिफरेंस में लैम्डा बाय टू या प्लस माइनस लैम्डा बाय टू की जोड़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम ट्रांसमिटिंग मीडियम में देख रहे हैं, तो यहाँ पर फेज चेंज नहीं होगा। अब हम देखते हैं कि मैक्सिमा और मिनिमा यानी ब्राइट रिंग और डार्क रिंग के लिए क्या कंडीशन होगी पार्ट डिफरेंस के लिए, तो अगर हम ब्राइट रिंग के लिए देखें, फ्रिंज कह देते हैं हम इसको, तो कितना आएगा पार्ट डिफरेंस कितना होता है ब्राइट फ्रिंज के लिए 2n लैम्डा बाय 2, या हम कह सकते हैं इट इज लैम्डा बाय 2, तो ब्राइट फ्रिंज के लिए कितना आ गया आपके पास, पार्ट डिफरेंस की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 2 म्यू टी कॉस ऑफ आर, वैल्यू रख दी हम यहाँ पे, इसकी वैल्यू कितनी n लैम्डा के बराबर, या हम कह सकते हैं 2n लैम्डा बाय 2 के बराबर। मतलब अगर हम ट्रांसमिटेड लाइट को देख रहे हैं और उसमें ब्राइट रिंग देख रहे हैं, तो उसकी कंडीशन बिल्कुल वैसी ही है जैसा हमने यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में देखी थी, डिवीजन आया हुआ वेव फ्रंट, मतलब हमारा पार्ट डिफरेंस की वैल्यू एन लैम्डा के बराबर ही आएगी। जबकि हमने कहा जब रिफ्लेक्टेड मीडियम में देखा था तो पार्ट डिफरेंस की वैल्यू कितनी आ रही थी, टू म्यू टी कॉस ऑफ आर इज इक्वल टू टू एन प्लस वन या टू एन माइनस वन लैम्डा बाय टू के बराबर आ रही थी। अब अगर हम डार्क रिंग की बात कर रहे हैं, तो डार्क रिंग ऑब्लिक फ्रिंज हम जो भी बोल रहे हैं, ठीक है, तो कितनी वैल्यू आ जाएगी टू म्यू टी, मतलब पार्ट डिफरेंस किसके बराबर होता है अगर हम लिखें यहाँ पे, तो दैट इज इक्वल टू टू एन प्लस माइनस वन लैम्डा बाय टू, ये हमारा पार्ट डिफरेंस की कंडीशन होती है फॉर मिनिमा और मिनिमम इंटेंसिटी के लिए। तो पार्ट डिफरेंस की वैल्यू कितनी निकली मेरी, टू म्यू टी कॉस ऑफ आर, यहाँ पर रख लेते हैं हम इसको, तो कितना आ जाएगा टू म्यू टी कॉस ऑफ आर इज इक्वल टू टू एन प्लस 1 या 2n माइनस 1 लैम्डा बाय 2। तो हमारे पास डार्क फ्रिंज के लिए पार्ट डिफरेंस की वैल्यू कितनी आ गई है 2n प्लस माइनस 1 लैम्डा बाय 2, जैसा कि हमें सिंपल इंटरफेरेंस पैटर्न यानी डिवीजन बाय अ वेव फ्रंट में मिली थी, वैसे ही हमको यहाँ पर डार्क की कंडीशन कितनी मिली 2n माइनस 1 लैम्डा बाय 2। तो यहाँ पर हम ये देखा कि जहां पर अगर हम इंटरफेरेंस रिफ्लेक्टेड में देख रहे हैं, तो जो कंडीशन हमारी डार्क के लिए थी, वो कंडीशन अगर हम रिफ्लेक्टेड के लिए डार्क की कंडीशन कितनी थी 2 म्यू टी कॉस ऑफ आर इज इक्वल टू एन लैम्डा, और ये यहाँ पर ट्रांसमिटेड में किसके लिए मिल रही है, आपको मिल रही है ब्राइट के लिए। इसका मतलब अगर हम जो फ्रिंज को ट्रांसमिटेड में देखें, तो जिस पोजीशन पे हमें रिफ्लेक्टेड में ब्राइट मिल रही थी, वहां पर उसी पोजीशन अगर हम ट्रांसमिटेड में वहां पर देखेंगे, तो हमें क्या मिलेगा डार्क, मतलब अगर ब्राइट ऊपर पहले अगर मुझे सेंटर में डार्क मिल रहा है, तो अगर रिफ्लेक्टेड में, तो सेंटर मुझे क्या मिलेगा ब्राइट मिलेगा इन अ ट्रांसमिटेड, जस्ट अपोजिट हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, अभी हमने क्या देखा है कि थिन की फिल्म जो है, थिन की जो थिकनेस है, फिल्म की जो थिकनेस है वो क्या है, एक यूनिफॉर्म है, मतलब थिकनेस में कोई वेरिएशन नहीं है। अब हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि अगर थिकनेस वेरी कर जाए मतलब क्या, इस तरह से वेरी करे, ये थिकनेस क्या हो रही है यहाँ पर हर पॉइंट पे चेंज हो रही है, जिसे हम कहते हैं वैज शेप फिल्म, जिसका हम एग्जाम्पल भी देखेंगे आगे न्यूटन्स रिंग एक्सपेरिमेंट। तो वैज शेप फिल्म में किस तरीके से थिकनेस में चेंज होगा और उसके कारण से आपका कंडीशन फॉर मैक्सिमा और मिनिमा क्या चेंज होता है, वो उसकी हम पार्ट डिफरेंस की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।